हेलो एवरीवन, मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राना फूड हाउस। आज मैं आप लोगों के लिए यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूं। तो आइए हम देख लेते हैं यखनी पुलाव बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यखनी पुलाव हम चिकन का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चिकन 700 ग्राम यूज कर रहे हैं, आधा कटोरी दही, 2 लहसुन को मैंने छील लिया है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे हम चावल लेंगे इंडिया गेट का बिरयानी राइस 500 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे जो मसाले जाएंगे वे हैं 3 तेज पत्ता, 3 हरी मिर्च, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और जीरा 1/4 टेबल टीस्पून। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक चॉप करके रख लिया है। कुछ हम यखनी में यूज करेंगे और कुछ हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा यखनी तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ साबुत, 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, जावित्री के ये 1 फूल यूज करेंगे, टूट गया है तो ये 2 हो गया है, 1/4 जायफल और 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच के बराबर और 2 हरी मिर्च। इसको हम बारीक मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले जो साबुत मसाले यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसे हम पीस लेंगे। तो इसमें 2 हरी मिर्च, जायफल मैं यहाँ पे थोड़ा यूज करूंगी और ये दोनों चीज मैं थोड़ा थोड़ा रख लूंगी चावल में डालने के लिए। इसके अलावा ये सौंफ, जीरा, धनिया, जायफल जो हमने लिया था 1/4 उसका मैं आधा यहां पे डाल दूंगी। 1/4 में से मैंने 1 टुकड़ा इसमें डाल दिया और 1 में बाद में यूज करूंगी। जावित्री का 1 फूल में से आधा फूल इसमें डाल दिया है और आधा में बाद में यूज करूंगी। अदरक का 1 टुकड़ा इसको भी, लहसुन के जवे, इसका 1 पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है हल्का। यखनी का ये मसाला तैयार है। इसे हम एक कॉटन कपड़े में, इस तरह का एक साड़ी का टुकड़ा था मेरे पास, मैं इसमें डाल के इसकी 1 पोटली तैयार कर लूंगी। यखनी पुलाव में सबसे पहले हम यखनी बनाते हैं तो इसके लिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और 1 पोटली बना ली है। और जो मसाले जो मिक्सी में से उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून रख लिया है जो मैं बाद में यूज करूंगी। तो आइए यखनी बनाना शुरू करते हैं। यखनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी रख लिया है और यहाँ पे जो पोटली तैयार थी वो सबसे पहले इसमें रख देंगे अच्छे से और पानी को बॉयल होने देंगे। यखनी में उबाल आ गया है, यहाँ पे हम चिकन को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने 2 प्याज को काट के रखा था उसमें से 1 प्याज हम यहां पे डाल देंगे।
वापस से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे नमक को भी हम ऐड कर देंगे और सभी चीजें इसमें जा चुकी हैं। अब हम यहाँ पे कवर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट चिकन के साथ यखनी पकने देंगे। जब तक यखनी बन रही है हम यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेंगे, जो एक प्याज बची थी। इसे फ्राई करके गोल्डन होने तक इसे फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा सा इसमें कलर लाना है गोल्डन। लाइट गोल्डन कलर की प्याज हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आइए चेक कर ले, 10 मिनट्स हो गया है, यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए इसके ऊपर रोगन्स आ गया है। यहाँ पे हम जो ये पोटली है इसे हम निकाल लेंगे। चिकन को मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है तो इसके लिए मैं जो यहाँ पे प्याज ब्राउन की थी उसमें जो तेल था वो ऐड कर दूंगी। साथ में चिकन को मिर्च को यहाँ पे जो प्याज हमने ब्राउन की है वे और थोड़ी सी प्याज मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। साथ में जो हमने थोड़ा सा गरम मसाला रखा था वो भी। चक्रीपुर, जीरा, सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। साथ में हम दही भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। सभी चीजों के साथ 2-4 मिनट मैं तेल में से भून लूंगी। पाँच छह मिनट हो गए हैं इसे तेल में और मसालों के साथ भूनते हुए। यहाँ पे हम अब चावल को ऐड कर देंगे। जिस बर्तन में हमने यखनी तैयार की थी उसमें हम ये गोश्त को हम ऐड कर देंगे। चावल को भी इसमें ऐड कर देंगे।
चावल भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे नमक चेक कर लेंगे कि नमक यहाँ पे कितना है। थोड़ा सा नमक कम है तो यहाँ पे नमक को हम ऐड कर दे रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे जो मसाला रखा था यखनी का 1 टेबलस्पून उसको भी यहीं पे ऐड कर देंगे। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है चावल में। और यहाँ पे कवर कर देंगे। जब तक उबाल आ रहा है यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस का फ्लेम सिम कर देंगे। पानी आपको इस तरह से करना है कि जो निशान आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है पानी। यही अंदाज से मैं पुलाव बनाती हूँ। चावल में उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम हम यहाँ पे सिम कर दिए हैं। अब इसे सिम पे दम पे हम पकने देंगे। एक बार चेक कर लें, एक बार हम मिला लेंगे बहुत ही धीरे धीरे। आइए चेक करते हैं। पानी चेक कर लें, बहुत हल्का सा भी पानी है। यहाँ पे हम जो जायफल और जावित्री थोड़ी थोड़ी मैंने बचा रखा था उसे कूट के यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। इसे कवर लगा देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे दम पे 10 मिनट्स इसी तरह रहने देंगे। फिर आपको हम खोल के दिखाएंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, यखनी बिरयानी बनकर रेडी है। यखनी पुलाव बनकर रेडी है, आइए इसे सर्व करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे यखनी पुलाव की तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे इसे बना के बताएंगे कि आपकी कैसी बनी। तो प्लीज अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी कैसी बनी। थैंक यू।